नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के अंतर डिस्कस करेंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की SCERT मीटिंग की अपडेट, इसके साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण पर कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और UPPCL में 975 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी। संपूर्ण डिटेल इस भर्ती से संबंधित जानेंगे। वहीं 4,000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर और 400 पदों पर लैब टेक्नीशियन के भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण खबर निकलकर जो सामने आ रही है, आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपना नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। कई बार SCERT जाकर के अधिकारियों से निवेदन कर चुके हैं और अपनी समस्याओं से लिखित में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की समस्याओं को शॉर्ट आउट करने संबंधी कोई भी दिशा निर्देश या शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। और जब तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए उनके स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और लगातार प्रयास किया जा रहा है, हर जगह अपनी समस्याओं को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई सकारात्मक डिसीजन जो है वो देखने को नहीं मिला है। उसी क्रम में कल देर शाम से अभ्यर्थी अपने घरों से निकल लिए थे और आज सुबह ही SCERT पर जमना शुरू हो गए थे। लेकिन आज SCERT जो है, सारे अभ्यर्थी जब पहुंचे तो उस तरीके से जो सकारात्मक परिणाम उनको मिलना चाहिए था, वो सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सका है। दोपहर तक सचिव सर का इंतजार किया गया, लेकिन सचिव सर से मुलाकात अभ्यर्थियों की नहीं हो पाई। कुछ अभ्यर्थी SCERT से वापस चले गए। बाकी जो चीजें DG मैम और अन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद निकलकर सामने आई, तो वही केवल और केवल आश्वासन वाली बातें निकलकर सामने आई। बाकी मामले को निस्तारित करने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस कार्रवाई को लेकर के कोई आदेश या कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की समस्या सॉर्ट आउट होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें टहला रहे हैं और अगले सप्ताह या 28 अगस्त का हवाला देकर के उन्हें केवल और केवल कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया जा रहा है, और अधिकारी इसमें अपनी तरफ से कुछ भी करने का अब कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र होल्ड के अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से साथ ही में स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित कर दी गई उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए, लेकिन कुछ जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से इस कार्रवाई को अगर अंजाम दे दिया गया होता, तो आज इस सैकड़ों के अभ्यर्थी में जो संख्या में दर दर भटक रहे हैं, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता और वो भी आज विद्यालयों में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे होते। तो कुल मिलाकर के अभी संघर्ष और भाग दौड़ का नतीजा और उसका परिणाम कुछ भी मिलता नजर नहीं आ रहा है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को। लेकिन दोस्तों, आप सभी को संघर्ष करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, आप सभी का परिणाम जरूर निकलेगा। और बेसिक शिक्षा विभाग जो आपको 28 अगस्त के हवाले लटकाने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोई औचित्य नहीं बनता है कि आपको वहां तक लटकाया जाए, आपका मामला पहले सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जब तक आप सभी लोग अपनी संपूर्ण संख्या बल के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाने का कार्य विभाग पर नहीं करेंगे, तब तक आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी कोई भी आदेश जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं जारी किया जाएगा। अब लगातार आप सभी को बड़े स्तर पर प्रयास करना है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सचिव सर और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सनमुगा जी से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे आप सभी का मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की जो आज SCERT मीटिंग रही, वो उतनी सकारात्मक नहीं रही जितनी सकारात्मकता के लिए आज अभ्यर्थी SCERT पहुंचे थे। तो ये SCERT मीटिंग की अपडेट है। अब बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पर 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 22,000 सीटों को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है।
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में कई मुद्दे हालांकि अभी लंबित चल रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों का निस्तारण इतनी जल्दी भविष्य में होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी जब उनकी डेट लगती है तो मामले पर जल्द सुनवाई नहीं हो पाती है। और वहीं 5% रिजर्वेशन को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से जब प्रयास किया जा रहा है तो उस पर भी सरकार और विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई सुनिश्चित होती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद रिक्त हैं उन पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना था कि उन 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती की जितनी भी विसंगतियां हैं, चाहे आंसर की प्रकरण हो, चाहे आरक्षण विसंगति मामला हो, चाहे 27% रिजर्वेशन मामला हो, सबको निस्तारित करते हुए उन सीटों को इनमें अगर ऐड कर दिया जाए तो सारा मामला निस्तारित हो सकता है। लेकिन आज जो ये खबर निकलकर सामने आ रही, इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती की 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करने का सपना देख रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। और वास्तव में किसी दूसरी भर्ती की सीटें किसी दूसरी भर्ती में ऐड करना कितना मुश्किल होता है, आप सभी लोग इस आदेश से समझ सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सचिव सर का पत्र प्रेषित किया गया है, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और ये देख सकते हैं 22/7/2024 की डेट में ये पत्र प्रेषित किया गया है। सेवा में श्री आलोक सिंह, इनको ये पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रांक यहाँ पर देख सकते हैं 67/02/06, दिनांक जो है 2024-25 सत्र में 22/7/2024 को ये पत्र प्रेषित किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में ये पत्र सचिव सर की तरफ से प्रेषित किया गया है। महोदय उपयुक्त विषय IGRS संख्या यहाँ पे दी हुई है के माध्यम से आप द्वारा 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों को 69,000 सहायक भर्ती अध्यापक भर्ती में जोड़ते हुए सामान्य पिछड़े और दलित को नौकरी देकर न्याय किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जोड़े जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सिविल 52/2021 में पारित आदेश दिनांक 1/2/2021 को खारिज किया जा चुका है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है। इट इज सबमिटेड बाई द पिटिशनर्स दैट दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द सब्सक्वेंट सिलेक्शन एंड क्वालिफाइड इन असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट 69,000 सीट्स वेर एडवर्टाइज्ड टू बी फिल्ड थ्रू सेट सिलेक्शन। द पिटिशनर्स हैविंग अपियर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस नाउ कैन नॉट कंटेंड दैट द वैकेंसीज ऑफ द अर्लियर सिलेक्शन बी एडेड टू द प्रेजेंट सिलेक्शन। वी देयर फोर सी नो मेरिट इन द पिटिशन, द रेट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। एते हो 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नहीं जोड़ा जा सकता है, यह बिल्कुल मेंशन कर दिया गया है सचिव सर की तरफ से, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय या नियुक्ति दिए जाने की मांग से संबंधित होने के कारण पोषणी नहीं, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। और सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से यह पत्र प्रेषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती की 22,000 जो रिक्त सीटें हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करते हुए मामले जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है उनके संपूर्ण निस्तारण को लेकर के जो अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा था उनके प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 शिक्षक भर्ती की रिक्त सीटों को नहीं ऐड किया जाएगा, ये सचिव सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने इस आदेश से। तो इसी भी आप समझ सकते हैं जो कुछ भी होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी कोर्ट आदेश आएगा वो 69,000 के अंदर ही किया जाएगा, किसी अन्य भर्ती की सीटें इसमें एड ऑन होने नहीं जा रही, यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अंतर जनपदीय पारस्पर के स्थानांतरण मामले से जुड़ी हुई आज की कोर्ट सुनवाई से महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरण प्रक्रिया, पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया और इसके साथ साथ समायोजन प्रक्रिया और अब अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया सब कुछ कोर्ट के हवाले और कोर्ट की भेंट चढ़ चुका है। और सभी पर आप सभी लोग देख रहे हैं लगातार कोर्ट में सुनवाइयां हो रही, उसी क्रम में आज अंतर जनपदीय पारस्परिक मामले को लेकर के हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई, जहां से महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही। आज अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में याचिका संख्या 5146 आप 2024 पर कोर्ट नंबर 18 में सीरियल नंबर 1 पर आधे घंटे से अधिक की बहस चली और हमारे वकील पूर्व महासचिव अवध बार एसोसिएशन श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और श्री डीपी शुक्ला जी, न्यायमूर्ति श्री मनीष कुमार
माथुर साहब को समझाने में कामयाब रहे। सचिव का सर्कुलर शासन के आदेश यानी शासनादेश और रूल के कंट्रेरी अर्थात विपरीत है। बोर्ड के वकील को शासन और बोर्ड से इंस्ट्रक्शन लाने को कहा है। याचिका को 25 जुलाई को एज ए फ्रेश केस लगा दिया गया है। इस याचिका के लिए बहुत संघर्ष किया गया है, हमारे दोनों वकीलों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत सी बाधाएं आई परंतु अब आगे बढ़ चुके हैं और ये निर्भय सिंह की तरफ से अपडेट दी गई आज की सुनवाई की। जीत की तरफ बढ़ते कदम और कहा जा रहा है कि पारस्परिक स्थानांतरण मामले पर जो याचिका लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं उन्हें इस मामले में बहुत जल्द जीत मिलने वाली है। जिस तरीके से कोर्ट ने आज पूरे तरीके मामले को सुना है और कोर्ट कन्वेंस नजर आई है याचियों के पक्ष से, तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग को एक बार झटका लग सकता है पार अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मामले में भी। तो कुल मिलाकर के सारी प्रक्रियाएं कोर्ट में और कोर्ट से सरकार को कहीं ना कहीं अब जो है राहत मिलती नजर नहीं आ रही किसी भी मामले में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 975 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों अभी अभी यूपीपीसीएल में 975 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और इससे संबंधित डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भर्ती का जारी कर दिया गया, जहाँ पर स्पेशल पत्रांक संख्या वगैरह डिटेल में शेयर की गई 19/7/2024 की डेट में ये जारी हुआ है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सहायक अभियंता जो है उसके पदों की संख्या 395 है और अवर अभियंता के पदों की संख्या 580 है और कुल 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूपीपीसीएल के द्वारा। और ये आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 16/7/2024 के शेष प्रावधान और शर्तें समय सीमा सब यथावत रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में अप्लाई करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास मांगी गई एलिजिबिलिटी वो पूरी करते हैं। तो कुल मिलाकर के यूपीपीसीएल की तरफ से 975 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं BSU SE विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में रिक्त पदों पर करेगा नियुक्ति। बिहार की यूनिवर्सिटी में बहाल होंगे 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर। सोमवार को होगी गणित प्रोफेसरों का साक्षात्कार। 2020 में निकाली गई थी बहाली, हाईकोर्ट ने लगा दी थी पाबंदी। 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति विभिन्न विषयों में की जाएगी और किन विषयों में कितने प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किस सब्जेक्ट के कितने असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे सारा डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के जो दिक्कतें थी उन्हें सॉर्ट आउट करते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू कर दी गई, यानी आज से शुरू हो चुकी है और इस भर्ती में अब 4000 जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो अपनी नौकरी प्राप्त कर लेंगे और किस यूनिवर्सिटी में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर जाएंगे उसका भी डिटेल यहाँ पर आप सभी के सामने है, जिसको आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश में 400 पदों पर आई प्रयोगशाला सहायक के भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती। UP SSSC ने निदेशालय से मांगा ऑनलाइन अध्याचन। कनिष्ठ सहायक के 69 पदों पर भी होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय में जल्द ही प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के 400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते अध्याचन भेज देगा और अध्याचन मिलने के बाद संबंधित प्रक्रियाओं को कंप्लीट करते हुए UP SSSC की तरफ से इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जब आएगा तो आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।